उलमा फरमाते हैं आपके वजूद में खुदा ने तीन चीजें रखी हैं। करबला करबला तो कहते रहो लेकिन पहले करबला को समझो। करबला में तीन चीजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक है मारिफत, दूसरा है अकीदा, तीसरा है अमल। वहां पर मारिफत भी थी, सही मारिफत, अकीदा भी था सही अकीदा, अमल भी था सही अमल। हम शायद मारिफत तो रखें इस मानामे के हलवाई से मोहब्बत बड़ी है कि हर साल मुझे करबला जाना है, हर साल मुझे उम्र पे जाना है, ये मोहब्बत का तकाजा है कि मैं जा रहा हूं। लेकिन उस मोहब्बत के साथ अकीदा भी सही होना चाहिए। अगर अकीदा गलत तो मारिफत किसी काम की नहीं, और उस अकीदे के साथ अमल भी होना चाहिए। और खुदा ने आपके जिस्म को भी तीन कैटेगरियों में डाला। ये जो आपका जिस्म है ये तीन तबके में तबला। एक आपका सर जहां पे दिमाग रखा, दूसरा आपका कल्ब जहां पे आपका दिल रखा, तीसरे आपके आज़ा और जवारे यानी आपके हाथ, आपकी ज़बान, आपका नाक, ये पूरे आज़ा और जवारे। और मारिफत, अकीदा और अमल का भी इन तीन चीजों से ताल्लुक है। मारिफत का ताल्लुक है दिमाग से, अकीदे का ताल्लुक है कल्ब से, अमल का ताल्लुक है आज़ा और जवारे से। जब तक ये तीन चीजें नहीं मिलती तो करबला समझ में नहीं आती, इस्लाम समझ में नहीं आता। इन तीनों को समझना है, इन तीनों पे अमल करना है, फिर इंसान की आखिरत बन जाती है। करबला में करबला वालों ने किया क्या? मारिफत के साथ अमल भी रखा, अकीदा भी रखा और मौला के फरामीन पे अमल भी किया। ये जुमला में हमेशा कहता हूं कि कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना, कहां या हुसैन कहना और कहां हुसैन के साथ रहना। या अली कहना बहुत आसान है लेकिन अली के साथ रहना बहुत मुश्किल है। कूफे वालों ने या हुसैन तो कहा लेकिन करबला में हुसैन के साथ रहना बड़ा मुश्किल था। बातें तो बहुत सारों ने की कि हम हुसैन आ जाए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इमाम फरमाते जब अमल का मैदान आया तो पूरी दुनिया भाग गई। और अमल कब बनता है? जब इंसान का अकीदा दुरुस्त हो जाए,